आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर सीएम भजनलाल पहुंचे हैं मैराथन में, मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर जयपुर में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और इसे हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे हैं। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का यह 8वां संस्करण है और भजनलाल शर्मा सीएम इसे हरी झंडी दिखाएंगे। थोड़ी देर में इस मैराथन की शुरुआत होगी, तमाम शहरवासी इस मैराथन में दौड़ेंगे और इसे हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं सीएम भजनलाल। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के 8वें संस्करण को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें जयपुर से सिर्फ सच बेधड़क पर, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मैराथन के आयोजन में, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हाफ मैराथन है ये, इसका 8वां संस्करण है और इसे हरी झंडी दिखाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं रनर्स वहां पहुंच चुके हैं। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन फॉर जीरो हंगर इसकी थीम है और इसके 8वें संस्करण को हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का 8वां संस्करण है ये और जयपुर शहर के देश भर के रनर्स और जानी मानी हस्तियां इस 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। अलग अलग कैटेगरीज में यहां पर पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो आपको बता रहे हैं मैराथन में दौड़ने के लिए कई शहरवासी पहुंच चुके हैं, देश विदेश से रनर्स इस मैराथन में भाग लेने पहुंचे हैं और कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा इसे हरी झंडी दिखाएंगे। और इसका एक थीम भी रखा गया है, जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर, इसका 8वां संस्करण है ये। जयपुर राइड्स इस मैराथन में विभिन्न देशों के रनर्स रन फॉर जीरो हंगर के साथ संदेश के साथ दौड़ेंगे और ये संदेश देंगे। रन फॉर जीरो हंगर यानी कि भुखमरी के खिलाफ एक तरह का ये आगाज माना जा सकता है, किस तरह से जो हंगर की समस्या है, जो भुखमरी की समस्या है, इसका संदेश देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 8वां संस्करण है ये। ये हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होगी और इसे फ्लैग ऑफ करने के लिए, इसे हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंच चुके हैं यहाँ हरी झंडी दिखाने के लिए। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, इसका थीम है जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर। आठवां संस्करण है ये पिंक सिटी हाफ मैराथन का, वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुरवासी इसमें दौड़ेंगे और संदेश देंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर का संदेश लेकर ये सभी इस मैराथन में दौड़ेंगे। तो आपको बता दें इस 8वें संस्करण का आज आगाज हो रहा है, जिसे हरी झंडी दिखाने के लिए सीएम भजनलाल पहुंचे हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर इसका थीम है और कुछ दिन पहले इसके पोस्टर का विमोचन किया गया था और मुख्यमंत्री ने ही किया था वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के पोस्टर का विमोचन, और रन फॉर जीरो हंगर इसका थीम है।
यार भाई टाइम से निकल जाते हैं तो अपने को सब मिल जाता है। एनआई से काटो, एनआई से क्या गेम नहीं लगाओ, नहीं है यार इधर इसको और ये तो मिला वो यार और क्यों नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जयपुर से लाइव, जहां पर पिंक सिटी वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आगाज होने जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे हैं वहां पहुंचे हुए रनर्स को, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर इसका थीम है, तो जयपुर वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना करेंगे। और आप देख सकते हैं मंच से ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव सिर्फ सच बेधड़क के माध्यम से, जहां पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के प्रति, भुखमरी के प्रति किस तरह जयपुरवासी जागरूक हैं, किस तरह से एक साथ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय का। और अब हम लोग फ्लैग ऑफ के लिए तैयार हैं। मैं काउंटडाउन यहां पर करने वाला हूं, काउंटडाउन को हम लोग फॉलो करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready guys? Let's go! Run for zero hunger, Vedanta Pink City Half Marathon. Let's play some music. तस्वीरें वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन की, जिसका आगाज जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और जयपुर शहर के तमाम वासी इस रन में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस रन का थीम है जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर, और यहां ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि जयपुर वासी ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, बल्कि जो ये संदेश इस मैराथन में दिया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर यानी कि भुखमरी के खिलाफ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किस तरह से एकजुट होकर के जयपुर वासी इस थीम को साकार कर सकते हैं, उसकी एक तस्वीर सामने नजर आ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से प्रदेशवासियों के बीच में मौजूद हैं और किस तरह से उनका उत्साह वर्धन करने के लिए पहुंचे हैं। अल सुबह इस मैराथन की शुरुआत की गई है, जिसे फ्लैग ऑफ करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अलग अलग कैटेगरीज में इसमें इनाम दिए जाएंगे, और आपको बता दें शहर के कई मार्गों से गुजरेगी ये मैराथन, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में रनर्स यहां मौजूद हैं। अल सुबह तो आपको बता दें मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं यहां पर और इस मैराथन को फ्लैग ऑफ दिया है। रन फॉर जीरो हंगर, जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और रनर्स हैं उनको एकजुट किया है इस मैराथन ने, और समारोह के अंत में जो फिनिशर्स होंगे, जो जीतेंगे उन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। 8वां संस्करण है ये, और इस मैराथन में देश भर के रनर्स और जयपुरवासी भाग ले रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज में इस रन का आयोजन किया जा रहा है। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का कूल रन है और 5 किलोमीटर का ड्रीम रन कैटेगरी है। और इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, तो अल सुबह
स्वास्थ्य जीवन का संदेश देने और जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर का संदेश लेकर ये रनर्स दौड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आगाज किया, फ्लैग ऑफ किया, जयपुर वासियों को प्रोत्साहित किया। और ये हाफ मैराथन है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में इनाम दिए जाएंगे। जिस तरह से जो रनर्स हैं इस मैराथन को पूरा करेंगे उन्हें मेडल दिया जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा। और इसका संदेश है जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। सर्दी की सुबह में जयपुर वासियों की भीड़ देख के ये साफ तस्वीर नजर आ रही है कि किस तरह से जयपुर वासी एकजुट होकर के संदेश को लेकर के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं। एक बेहतरीन तस्वीर सामने आ रही है जहां पर उम्र, जहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ एक ही एम है, एक ही गोल है, एक ही मिशन है कि इस मैराथन में भाग लेना। और इसका जो संदेश है जीरो टॉलरेंस फॉर हंगर, इसको प्रसारित करना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रनर्स यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं अल सुबह और इस मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है। और लोगों में उत्साह देखते ही बनता था और कहीं ना कहीं किस तरह से वो आज की जनरेशन से जुड़े हुए हैं, आज जो ये इनका मकसद है, इनका ये जो उद्देश्य है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए भजनलाल शर्मा खुद कितने जागरूक हैं और किस तरह से उनका यहाँ पहुँचना और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गौरव, अल सुबह सीएम पहुंचे हैं और इस मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है, क्या उद्देश्य है इस मैराथन का? बिल्कुल, सुबह सुबह देखने लाया गया कि नजारा जयपुर शहर के लिए, जहां पर वेदांता हाफ सिटी जो हाफ मैराथन है उसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के अंदर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, चाहे बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वृद्ध हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस रेस के अंदर, इस मैराथन के अंदर अपना हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हरी झंडी है, जो फ्लैग ऑफ किया है, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा किया गया है। और इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जो लोगों के अंदर उत्साह बना हुआ है वो देखने लायक है। और ये
कॉज जो बताया दैट द कॉज इज रन फॉर हंगर, कि जो भूख है इसे मिटाने के लिए किस तरीके से जो आगे लोग हैं जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जो लोग एक निचले तबके के हैं जो अपने जीवन जीने के लिए अपनी जीविका के लिए परेशान है, तो इस तरीके के कॉजेज जो है वो रखे गए हैं और बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गौरव, ये बहुत ही किसे कहेंगे नोबल कॉज है और मुख्यमंत्री का यहाँ आना अपने आप में तस्वीर जाहिर करता है कि किस तरह से उनके अंदर भी वो जागरूकता और लोगों को प्रोत्साहित करने वो पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए गौरव बहुत बहुत